हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से आया हूँ मैं वीडियो लेकर के 999 की। इससे पहले मैं दो वीडियो में बता चुका हूँ आपको 99 से कैसे गुणा करते हैं। दोनों ही वीडियो अलग अलग थी, ये तीसरी वीडियो ये भी अलग है। इसमें आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके दोनों इक्वल इक्वल होने चाहिए संख्याएँ, यानी कि गुणे भी और गुणज भी, ठीक है। और जो इससे दूसरी वीडियो थी उसमें एक साइड यानी कि राइट वाली साइड बड़ी थी, लेफ्ट वाली छोटी थी। इसमें लेफ्ट वाली बड़ी है और राइट वाली छोटी है। उस तरह की संख्या से किस तरह गुणा करते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए जल्दी से देखते हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें करना क्या है एग्जैक्टली, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के सवालों में करते क्या हैं। बस थोड़ा सा आपके लिए इसमें काम बढ़ गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, वो भी थोड़ा सा ही है, चल जाएगा। तो देखते हैं। तो मान लो कोई आपके पास नंबर लिखा है, हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। ये सवाल मैं आपको कराऊंगा अभी, पहले समझा देता हूँ कि करना क्या है। मान लो 7, 8, 6 की मल्टीप्लाई आपको 99 में करनी है। तो देखो यहाँ पर आपके जो लेफ्ट साइड है वो आपकी बढ़ गई है, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर आपके 2 नंबर है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर मान लो यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 2 थे, इस तरह का सवाल कराया था। इससे पहले वीडियो में यदि 3 है तो 3 इधर है कराया था, यानी कि ये सवाल अलग तरीके से होगा। तो इसमें करना क्या आपको, यहाँ देखो 2 9 है, ठीक है। तो इसके दाई तरफ से यानी कि राइट तरफ से आपको 2 नंबर अलग कर लेने हैं, यानी कि 86, 86 को आपको अलग कर लेना है। तो 86 और ये 7 को अलग, ये 7 अलग हो गया, अब 86 अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको बॉन्डिंग दिमाग में बना लेनी है, या फिर मैं समझा रहा हूँ आपको। तो 7 और 86 हो गया। तो इसके बाद आपको करना है 7 में 1 प्लस करना है। 7 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो जब आप 7 में 1 प्लस करोगे तो आपका 8 हो जाएगा। और इस 8 को आपको पूरा, ये जो 786 है, 786 में से आपको घटाना। तो यदि आप 786 में से 8 घटाते हो तो आपके पास कितना आता है, 786 में से 8 घटाते हो तो आपके पास 776 आता है। कितना आता है, 776। तो सॉरी, 778 हमारे पास ये आ जाता है। तो ये जो हमारी साइड आ गई, ये हमारी हमारी लेफ्ट साइड आ गई, यानी कि लेफ्ट साइड का हमारा आंसर आ चुका है। हमें बस राइट साइड का आंसर लेकर आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो राइट साइड का आंसर लाने के लिए जैसे कि हम पहले करते हैं, यहाँ देखो 2 9 है, तो हमें 2 ही नंबर से मतलब है, तीसरे से कोई मतलब नहीं। 2 9 2 नंबर, 86 है। इसका जो पहला डिजिट है 10 से, और जो दूसरा डिजिट है वो 9 से। 10 में इसका यानी 86, इसका पहला डिजिट आपको 10 से, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 जाएंगे तो हमारा 4 बचेगा। दूसरा डिजिट 9 9 में से एट गए तो 1, यहाँ 14 आ गया। तो ये वाला और ये वाला इसको आपको एक साथ लिख देना है, 7 7 8 14 इसके आगे। यदि आप 9 99 × 786 में करोगे तो आपके पास 7 7 8 14 आएगा। तो बहुत आसान तरीका है, बस आपको याद क्या रखना है कि जितने 9 हैं आपको राइट तरफ से उतने ही नंबर अलग करने हैं, और बाकी के नंबर जो है उसमें 1 प्लस करना है और टोटल नंबर में से आपको घटा देना है। घटाने के बाद जो आपका आएगा वो आपकी लेफ्ट साइड आ जाएगी। और उसके बाद जितना आपने राइट साइड की तरफ नंबर अलग किया था उससे आप जैसे पहले करते थे वैसे करना है, कि उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो 10 से और बाकी के डिजिट 9 से घटा करके एक नंबर प्राप्त कर लेना। जैसे आपका नंबर आया वो राइट साइड का जाएगा, तो दोनों को आपको मिला करके एक साथ लिख देना, तो आंसर आ जाएगा। अब आपको इतना दिमाग में करना है काफ़ी तेज़ी से। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। मैंने कुछ 3 सवाल लिखे हैं, तीनों सवालों को बड़े ध्यान से देखेंगे, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ज़्यादा ही माइंड शार्प हो जाएगा। तो देखते हैं सवालों को करते हैं कैसे करना है। तो पहला सवाल इसने दिया कि 378 378 की गुणा 99 में करनी है। तो 378 जैसे मैंने बताया यहाँ 2 9 है, और यहाँ 2, यहाँ पर से 78 को अलग, यानी कि 78 अलग और 3 अलग। 3 में आप 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 378 में से 4 घटा दीजिए तो कितना बचेगा। तो यहाँ पर मैं इस सवाल को कॉल करता हूँ, उस सवाल को कॉल के नहीं करूँगा। तो यहाँ पर से हम 378, तो यानी 78 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 378 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 374। तो ये हमारी जो आ गई, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है। उसके बाद जो राइट साइड है वो पहले जैसी 78 है, तो 78 का जो 8 है यानी 78, इसका 8 जो है 10 में से घटा दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो 7 है उसमें से 9 में से घटा दीजिए, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो इसे इसको इसको आप मिला के लिख दीजिए, तो 374 2 यानी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें आप खोल के नहीं करूँगा, इसे दिमाग से करेंगे। यहाँ पर 3 9 है तो 3 276 अलग हो जाएगा, 276 अलग और 4 अलग।
फोर में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, फाइव फाइव, यानी कि 4276, 4276 में से 5 घटाओगे हमारे पास 4271 आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट साइड। उसके बाद 276 को हम जैसे हम पहले सवालों में करते थे, यानी कि 6 को 10 से और 7 और 2 को 9 से घटा देना है। 6 को 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 को 10 से घटाएंगे, 6 को 10 से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 में 7 गए 2 और 9 में 2 गए 7, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इतने आसान तरीके से कर लिया, तो बस आपको याद रखना है कि आपको करना क्या है। इस सवाल में देख लेते हैं, यहाँ देखो 2 9 लिखे हैं, तो 2 9 है तो इसमें से 28 को अलग कर लेंगे, दो नंबर राइट से, दो नंबर जितने 9 होंगे उतने राइट से उतने नंबर अलग कर लेंगे। 74 है, 74 में से एक जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 75, तो यानी कि 7428 में से आपको 75 माइनस करने हैं। तो इसे थोड़ा सा करके देख लेते हैं, ये थोड़ा लंबा हो गया 75, तो जब इसमें से घटाओगे तो 8 में से 5 गए 3 और 12 में से 7 गए 5 और 4 यहाँ पर 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, यानी कि ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गई। तो लेफ्ट साइड आ गई, उसके बाद राइट साइड 28 है, 28 आ गया यहाँ पर, इसे क्या करेंगे 10 में से घटा देंगे, 10 में 8 गए 2, इसे 9 में से घटाएं, 9 में 7 गए, 9 में 2 गए 7, 72, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, यानी 7353 72, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखा कितना आसान था 99 से गुणा करना। तो 99 से गुणा करने की मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो थी। आपके 2 वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पर, जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।